2023 को वनडे वर्ल्ड कप हारने के बाद में अब टीम इंडिया 2024 को T20 वर्ल्ड कप हारने की कगार पर पहुंच रही है। और अगर अब 2024 को T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया हारेगी तो बस सिर्फ दो ही आदमी कारण हारेगी और बाको नाम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली नाम हवा में उड़ते ले रहे हो। विराट कोहली और रोहित शर्मा को नाम लेने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण मैं थाने इस वीडियो में समझा भी दूंगा। लेकिन भी कर लिए थे ये वीडियो पूरी देखियो और वीडियो को लास्ट में बतायो कि जो मैं बात थाने बोली है बात सही है फिर गलत है। इस वीडियो में सब पहले बात कर सुन 2023 के ओडे वर्ल्ड कप के बारे में। ओडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बहुत बड़े खेली या बात सगला मानी, लेकिन लास्ट में जाके फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया का हाथ टीम इंडिया हार गई और टीम इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक बार दोबारा से गवा दी। और जैसे कि सबने बोल रहा कि रोहित शर्मा ये वर्ल्ड कप में बहुत ही बड़े कप्तानी करी और बहुत ही बड़े खेल भी दिखाए। रोहित शर्मा के सागर सागर पूरी टीम इंडिया बहुत बड़े खेली, साथ में विराट कोहली बहुत बड़े खेले। लेकिन बी के बावजूद भी अगर टीम इंडिया आ रही है तो बी के पीछे कोई को बस कुंचाल है। ये सब किस्मत का खेल है कि टीम इंडिया के हाथ में ट्रॉफी को नहीं, लेकिन टीम इंडिया की मेहनत में कोई भी कमी को नहीं। टीम इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप में जितनी बड़ी गलती कौन कर रही, इससे बड़ी गलती टीम इंडिया अब कर रही है। और टीम इंडिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि टीम इंडिया आपका धोनी प्रमुख बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी बने टीम इंडिया आराम दे रखे। हाँ यह बात सही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा खुद आराम मांग रखे, लेकिन अगर मैं थाने एक सच बात बताऊं तो यो टाइम आराम करना को नहीं, यो टाइम 2024 को T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करना को है। अब मैं अगर पूरी खबर के बारे में बात करूं तो 2024 को T20 वर्ल्ड कप 4 जून से शुरू होगा। टीम इंडिया अक्टूबर 2023 से लेकर और आगे बढ़ा T20 वर्ल्ड कप तक 4 सीरीज खेल सी और बिकस आगे IPL को सीजन खेल सी। अन 4 सीरीज के बारे में बात करूं तो पहले ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया आओगी, बी के बाद में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका जाएगी सीरीज खेलबान, और तीसरी सीरीज अफगानिस्तान की टीम इंडिया होगी, और चौथी सीरीज में इंग्लैंड टीम इंडिया होगी। और ये 4 सीरीज खेलने के बाद में टीम इंडिया IPL खेलेगी जो कि घरेलू मैदान भी होगा। अब थन में अगर इन 4 सीरीज की खास बात बताऊं तो पहली सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ में 5 T20 मैच की सीरीज है और थन सब ने बोल रहा है कि इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा कौन खेल रही। इस सीरीज का अब तक 4 मैच तो कम्प्लीट हो गए और एक मैच आज शाम की हो जाएगा, तो ये पांचों मैच टीम इंडिया का 2 सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली मिस करेंगे। और T20 वर्ल्ड कप 2024 ने देखता विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये मैच मिस नहीं करना चाहिए। और जैसे कि सबने बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बाद में आगे सीरीज होगी साउथ अफ्रीका संगे, साउथ अफ्रीका संगे भी 3 T20 3 ODI और 2 टेस्ट मैच होगा और अन सब से भी विराट कोहली और रोहित शर्मा आराम ले रखे हैं, तो मतलब साउथ अफ्रीका सामने भी T20 मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा कौन खेलेगा। रोहित शर्मा खेलेगा लेकिन रोहित शर्मा टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कप्तानी करते दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका बाद में टीम इंडिया 3 T20 मैच की सीरीज खेलेगी अफगानिस्तान के साथ, तो जब अफगानिस्तान की टीम इंडिया में आवेगी तो अफगानिस्तान की टीम 3 T20 मैच खेलेगी, तो वे 3 T20 मैच रोहित शर्मा और विराट कोहली खेले सकें और बाकी भी कोई पुख्ता जानकारी कुने। अगर खेलेगा रोहित शर्मा और विराट कोहली तो वे सिर्फ 3 T20 मैच खेलेगा। अफगानिस्तान के बाद में इंग्लैंड टीम टीम इंडिया के दौरे पर आवेगी, लेकिन इंग्लैंड टीम न तो T20 मैच खेलेगी न ही ODI मैच खेलेगी। इंग्लैंड की टीम सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेल माने इंडिया की धरती पर आवेगी। तो मतलब मेरे खाना का मतलब इतना ही है कि टीम इंडिया का 2 सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप 2024 से पहले मात्र 3 T20 मैच खेले सकी बेबी अफगानिस्तान के सामने। अफगानिस्तान के बाद में कोई भी T20 मैच सीरीज कुछ होगी और अफगानिस्तान के बारे में तो सुनने है कि अफगानिस्तान की टीम एक कमजोर टीम है, तो इस टीम के सामने विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल की कोई तैयारी कर भी कुछ सकेंगा। तो 2024 का T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तैयारी करने के लिए सिर्फ 3 T20 मैच मिलेगा और वे मिलेगा अफगानिस्तान के सामने। एक बार में भी मार्च में टीम इंडिया का खिलाड़ी IPL खेलेगा, लेकिन IPL खेल लो और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल लो एक अलग अलग बात है, क्योंकि IPL के अंदर सब खिलाड़ी अलग अलग टीमों में होगा तो एकजुट होकर कौन खेल सकेगा, तो टीम को कॉम्बिनेशन और टीम की रणनीति एकजुट होकर कौन बना सकेगा। तो इस वीडियो में मेरा एक ही मतलब है खाना को वो यू है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया का 2 सुपरस्टार ही और इन दोनों ने 2023 को वनडे वर्ल्ड कप बुला की अगले 2024 को T20 वर्ल्ड कप पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप से पहले कुछ ही मैच खेलना ही और वे मैच अन दोनों ने पूरा अटेंड करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर थानी वीडियो चोखो लगी हुआ तो ये वीडियो लाइक जरूर कर दियो और चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लियो ताकि आगे बड़ा हर वीडियो थानी मिलते रहे।